प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जनता कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, जिसको लेकर आज रेसिडेंसी कोठी पर कोरोना प्रभारी तुलसीराम सिलावट द्वारा बैठक ली गई है, जिसमें फीवर क्लिनिक और कोविड केयर सेंटर को बढ़ाने के संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और बेड को लेकर हो रही कमी पर चर्चा की गई, साथ ही फीवर क्लिनिक को लेकर भी चर्चा हुई। शहर के जिलों में सही तरीके से फीवर क्लिनिक काम कर रही है, जो थोड़ी बहुत कमी है उसमें भी अधिकारियों को ठीक करने के निर्देश मंत्री तुलसी सिलावट ने दिए। पॉजिटिव मरीजों को पीपीई किट, दवाइयां समय पर पहुंचे इसकी भी जानकारी ली गई, साथ ही ब्लॉक स्तर पर एक कोविड-19 सेंटर स्थापित हुए कि नहीं इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही एक पंचायत से ₹5 पर क्लस्टर बनाया गया है। मीडिया द्वारा पश्चिम बंगाल की हार को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि फिलहाल कोरोना का दौर है, फिर भी बीजेपी ने पिछली सीट की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में ग्राफ बड़ा है बीजेपी का। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फीवर क्लिनिक की आज समीक्षा बैठक ली गई है, जो उन्होंने बताया कि फीवर क्लिनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है। फीवर क्लिनिक छोटी मोटी समस्या, सर्दी खांसी जुकाम के लिए प्राइमरी इलाज यहां से किया जा रहा है और वहां से उन्हें कोविड-19 सेंटर भेजा जा रहा है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो फीवर क्लिनिक चल रही है, माननीय मंत्री जी ने उसकी आज समीक्षा बैठक ली थी। और ये जो फीवर क्लिनिक है, ये हमारे एक रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खास करके इस वर्तमान समय में, क्योंकि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में फीवर क्लिनिक पे अगर किसी को छोटी मोटी समस्या होती है, सर्दी खांसी जुकाम, तो प्राइमरी डिटेक्शन जो होता है वो फीवर क्लिनिक के माध्यम से होता है और वहाँ से हम कोविड केयर सेंटर में भेजते हैं। तो ये जो प्राइमरी हमारी इकाई है, बहुत मजबूत होना चाहिए। उसकी पूरी समीक्षा की गई, कहाँ पर कितने सैम्पलिंग हो रही है, कितने हमारे कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं, पूरी एक एक की समीक्षा हुई और जो आवश्यक निर्देश थे माननीय मंत्री जी ने दिए। क्या रूप से जानकारी दी, शहर और ज़िले में फीवर क्लिनिक जो है सही तरीके से काम कर रही है, कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां थी उसको संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं, और इसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में जो एक होम आइसोलेशन है हमारा, जो मुख्यमंत्री शहर और ज़िले में इनके किट पहुँची कि नहीं पहुँची है तो क्या कारण है, और जो कमी, सारी इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और हर ब्लॉक स्तर पर एक कोविड केयर सेंटर स्थापित हुए कि नहीं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहाँ गति है, कहाँ चालू हुए, कहाँ नहीं हुए सब, और हर पंचायत, एक पंचायत से पाँच स्तर एक क्लस्टर बनाया है,